हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विस्थापन धारा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इस विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला है उसे हम सिद्ध भी करेंगे, मतलब प्रूफ भी करेंगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विस्थापन धारा। सबसे पहले तो ये इसको आप इम्पॉर्टेंट के भी श्रेणी में आप इसको रखेंगे, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे कि इस चैनल पे जो भी टॉपिक आपको रेगुलर कराया जा रहा है वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि दो वीडियो पर डे आता है आपके लिए, शाम को 7 बजे और फिर से शाम को 8 बजे आपको मिलता है रात को, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि विस्थापन धारा जो है, ये विस्थापन धारा होता क्या है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है, जिसमें पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा कहते किसे हैं, तो देखिए एक नामक वैज्ञानिक थे जो उनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने सिंपल वे में हमें यही कहा कि जब, ध्यान से आप समझेंगे उसके बाद तो परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। देखिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि मैक्सवेल ने दो ऐसे प्लेट ले लिया, ठीक है, मैक्सवेल ने क्या लिया, दो ऐसे प्लेट ले लिया और इन दोनों प्लेटों को क्या किया, इन्होंने एक कुंजी और एक बैटरी के साथ इनको जोड़ दिया। समझ में आया, देखिए इन्होंने, मैक्सवेल ने दो समांतर प्लेट लिया और इसको कुंजी और बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब इस बैटरी से जैसे मान लेते हैं ये दो समांतर प्लेट हैं, तो इस पर आवेश उन्होंने दिया, तो मान लेते हैं इस पर इन्होंने प्लस क्यू आवेश दिया और इस वाले पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो मैक्सवेल ये का कहना ये था कि जब किसी समांतर प्लेटों के बीच हम आवेश को देते हैं, ध्यान से समझेंगे, जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर इनके चारों ओर क्या होगा, चुंबक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। आवेश दे रहे हैं तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, जैसे कि मैग्नेट होता है, कोई भी चुंबक है, तो चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी प्रकार यहाँ पे आवेश है तो इसके भी चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो उनका यही कहना था कि मैक्सवेल का यही कहना था कि जब हम आवेश देते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में, विद्युत फ्लक्सों की संख्या में, परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच क्या होता है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। हम ये बात जानते हैं, ठीक है, ऑस्टेड के प्रयोग के अनुसार ही हम जानते हैं कि जब किसी, मतलब किसी चालक के बीच वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अब इसी प्रेरित धारा को हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है, केवल हमने थोड़ा सा टाइम लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको समझ में आए, नहीं तो डेफिनेशन कितना सिंपल है। आप कहेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आया, देखिए मैं कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, रटवाता तो बिल्कुल नहीं हूँ, समझा कर याद कराता हूँ। अगर आप थोड़ा सा समझ कर याद करें तो आपको कितना आसानी तरीके से याद हो गया, मैंने रटवाया आपको, हमने फिगर से ही तो बोला डेफिनेशन ना। आप कह सकते हैं कि मैक्सवेल के अनुसार जब किसी दो समांतर प्लेट के बीच आवेश देने पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्लेटों के में क्या हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, जिन विद्यार्थियों ने लिख लिया है अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, आप लिखिए। उसके बाद अभी हम फॉर्मूले इसको प्रूफ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको प्रूफ भी करना होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, परिभाषा देखने से नहीं काम चलने वाला। तो आप क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार जब किसी ऐसे किसी ना लेकर जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या में विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा का सबसे पहले परिभाषा हमने लिख दिया, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उनका केवल मैक्सवेल का यही कहना था कि दो समांतर प्लेटों के बीच यदि हम आवेश को देते हैं तो इनके बीच चुंबकीय विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इन प्लेटों में क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा, और वो प्रेरित धारा ही क्या कहलाएगा, अब उसको धारा ना कहकर हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। समझ गए, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, विस्थापन धारा को आई डी से प्रदर्शित करते हैं, आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। आई डी इक्वल टू क्या होता है, मतलब आई डी क्या है, विस्थापन धारा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता है, और डी फाई क्या है, फ्लक्सों की, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, और ये डी टी क्या है, टी है यहाँ पे, डी टी समय है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, इसको केवल इतना ही नहीं, इसका आपको फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है कि आखिर ये विस्थापन धारा आया कैसे, तो प्रूफ भी हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रूफ, प्रूफ मतलब तो समझ रहे हैं ना, सिद्ध हम कर रहे हैं, तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहीं पे करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम इतना बात जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम जानते हैं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले लिखेंगे दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बात हम जानते हैं ना। देखिए, हमने आपको एक पढ़ाया था फॉर्मूला, याद आपको नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ाया था गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में हमने दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाया था कि हमने पढ़ाया था कि आयताकार चादर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बताया था, टू एप्सिलॉन नॉट। बट हमने जब आपको आगे और आपको पढ़ाया था कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता,
तो उसमें हमने आपको फॉर्मूले में बताया था कि यदि दो समांतर प्लेट हो तो वहां पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं दो समांतर प्लेट है ना, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये होता है, हमने उससे जाना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या करेंगे। अब इतना हम बेसिक बात जानते हैं कि इतना हम यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि जो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल होता है, ये हम जानते हैं ना, ये सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, तो आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यदि हम यहाँ से आवेश का आवेश घनत्व का मान निकालें तो ये आ जाएगा इधर, तो ए जो आएगा ये क्यू में भाग कराएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो सिग्मा का जो मान निकलेगा वो क्यू बाई ए निकलेगा, यही तो निकल रहा है ना, तो यही हम मान रखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से आप समझेंगे थोड़ा सा, देखिए इसके जगह पर हम क्यू बाई ए रखेंगे तो क्यू हमने रख दिया और नीचे हम ए, ये एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हमने रख दिया। ठीक है, ये आप कोस्ट में मैं इतना लिख दूंगा, ठीक है इतना आप लिख लीजिएगा कोस्ट में, मतलब समझाने के लिए मैंने केवल लिखा हुआ है, अदरवाइज इतना तो बेसिक है आप जानते भी होंगे। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे ई हमने रख दिया, नहीं नहीं अब ध्यान से ये देखिए ए एप्सिलॉन नॉट है, ये इधर क्या है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो जब गुणा कराएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई मतलब क्यू इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये इधर भाग में था, इधर आएगा तो ई में गुणा कराएगा, तो क्यू इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तब जाकर हम इतना और बात ये जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाइ ए इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो जब दो समांतर प्लेट हैं तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू वन, तो इसीलिए यहाँ पे ई ए कॉस थीटा का मतलब हम लेंगे नहीं। देखिए ई ए ये जो आपको ई ए दिखाई दे रहा है इसके जगह पर हम फाई ई लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। आप कहेंगे कि ई ए आपके ई ए के जगह पर आपने सीधा फाई की ई क्यों रखा, तो देखिए हम इतना बात जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई ए कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, तो देखिए यहाँ पर ई ए देख रहे हैं ई ए है और यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है कॉस थीटा इक्वल टू यदि हम जीरो लेते हैं, ठीक है क्योंकि दो समांतर प्लेट हैं तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो इक्वल टू वन होता है तो वन में अगर ई ए का गुणा कराएंगे तो ई ए ही ना होगा, तो बताइए ई ए के जगह पर यहाँ पे हम फाई रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है मैं छोटी छोटी बातों को बताता हूँ जिससे बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा भी अलग किया जाए तो उनको कहने लगते हैं कहाँ से आया कहाँ से आया, तो थोड़ा सा पीछे का आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है तभी जाकर समझ में आएगा। अब इतना हो गया, अब ध्यान से समझेंगे, जब इतना हो गया यहाँ तक हो जाता है ना, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों पक्षों का अवकलन करना होगा टी के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब टी के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो इसका हम अवकलन करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, और इसका यदि हम अवकलन करते हैं डी क्यू बाई डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, यही ना होगा। ठीक है अब ध्यान से हम समझेंगे, ये ऊपर डी क्यू का मतलब कि आवेश है और डी टी है समय। अब बताइए कि हम इतना बात जानते हैं ना कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये बात जानते हैं विद्युत धारा इक्वल टू क्यू बाई टी आवेश बटे समय होता है, तो बताइए ऊपर आवेश है या नीचे समय है, तो इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं, मतलब आवेश प्रवाह के दर को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं ना, और ये आवेश प्रवाह का दर ही तो लिखा गया है, तो देखिए इसका आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, परंतु कौन सा धारा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं विस्थापन धारा पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे विस्थापन धारा आई डी लिखाएगा, ठीक है ये अब विस्थापन धारा हो जाएगा। अब विस्थापन धारा आई डी इक्वल टू यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक नियतांक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, अब इसका अवकलन होता है तो डी फाई ई बाई डी टी हो गया।
यही तो आपका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यही तो विस्थापन धारा का फॉर्मूला है जो अभी हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे id is equal to epsilon naught d phi by dt, यहाँ पे भी हमने लिखा है id is equal to epsilon naught d phi by dt, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो कभी भी यदि आपको विस्थापन धारा आता है और ये आपसे तीन नंबर में क्वेश्चन का पूछा जाता है, तो तीन नंबर का आपको दे, तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले एक नंबर का तो आपको परिभाषा होता है, एक नंबर का आपका होता है ये फॉर्मूला लिखना, और एक नंबर का आपका होता है इस फॉर्मूले को प्रूफ करना। इस तरीके से बांटा जाता है क्वेश्चन में ही, बांट बांट कर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पूरा बेसिक टू हाई आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। पहले परिभाषा फिगर बनाइएगा फॉर्मूले लिखकर, उसके बाद यहां से प्रूफ डालकर यहां से यहां तक लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा यदि आप चैनल पर नए हो, अब वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि रेगुलर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे भी जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए मिलता रहेगा। और यदि आप सीरियस हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी अदर विषयों का भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।